दोस्तों मैं डॉक्टर अरविंद गुप्ता, MBBS, MD मेडिसिन, DM नेफ्रोलॉजी, सीनियर कंसल्टेंट, सर्वोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हिसार, MM मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शालीमार बाग न्यू दिल्ली। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सरसाइजेज के बारे में या योगिक एक्सरसाइज के बारे में, क्रोनिक किडनी डिसीज के बारे में। दोस्तों जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उससे 10-15% की जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू एक्टिव लाइफ स्पैन के अंदर। लेकिन कितनी एक्सरसाइज करें, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एरिथमियाज या सडन डेथ्स तक हो सकती हैं, तो ये सब देखना पड़ेगा। बोहर स्केल पे कहते इस पे लिया जाता है कि कितनी एक्सरसाइज किसके अनुसार की जाए। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम और टाइप ऑफ डायलिसिस एक्सरसाइजेज हमें पहले डिसाइड करनी पड़ेंगी। दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं डायलिसिस के अंदर। डायलिसिस के अंदर लोअर लिम्ब्स की और मास और एब्डोमिन की अगर एक्सरसाइज प्रॉपर करें तो हमारे पास काफ़ी मांसपेशियों से वेस्ट प्रोडक्ट खून में चले जाते हैं और क्लीयरेंस 10-15% बेटर हो जाता है। ये हम आपको दिखाने लग रहे हैं। Trying to break you down, but for real, you might as well give up now. Think you got a chance, but I don't see how. Got a real tight grip when I hold that crown. My life been good and bad. दोस्तों बाद में आते हैं हम कि अगर जो आदमी घर पे हैं उनको चेस्ट इन्फेक्शंस के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से हम वैक्सीन, डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन देते हैं, प्रेवनार देते हैं, न्यूमोवैक वैक्सीन देते हैं। और अगर हम ये प्राणायाम जो हम एक्सरसाइज अब आपको दिखा रहे हैं अगर ये करेंगे तो आप काफ़ी हद तक 20-25% आदमी जो निमोनिया से ग्रसित होते हैं वो आप बच सकते हैं। दोस्तों तीसरी एक्सरसाइज हैं जो आप बैठ के और खड़े होके कर सकते हैं, जो सिंपल एक्सरसाइजेस, वो आप अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अदरवाइज माइटोकॉन्ड्रियल कपलिंग होने से सार्कोपीनिया हो जाता है, मसल आपकी वेस्टिंग हो जाती है, मसल कमज़ोर हो जाते हैं और आदमी चल फिर नहीं पाता और आदमी की लाइफ स्पैन काफ़ी कम हो जाता है। एक्टिविटी ठीक रहे वो आदमी अच्छी तरह काम कर सकता है। Won't you come and see what it's like living by the rules that you write? You ain't all those lavish delights. Now you had no back in sight. All the little lies you recite just makes all the savage unite. Usually I'm very polite, but I'ma get savage tonight. Even when a dog being nice, every single dog gonna bite. You might think I'm wrong, but I'm right. Just let it get a strong appetite. I'ma let it breathe just a little. Give it to you strong, heavy metal. I don't make a sound when I strike. You better just run for your life. एक्सरसाइज करने से पहले ये जरूर अपने डॉक्टर से सलाह ले लें कि आप किस ग्रेड की एक्सरसाइजेज
कर सकते हैं। बोहर स्केल है, उनके ऊपर 6 से 9, 9 से 12, 15 ऐसी एक्सरसाइजेज आप देखें। मेरे हिसाब से माइल्ड से मॉडरेट टाइप की एक्सरसाइजेज ही करें जो हमने दिखाई हैं, और उसी से आप अपना जीवन डायलिसिस में भी अपना अच्छी तरह से और वो करा पाएंगे और गुर्दे की बीमारी की प्रोग्रेशन कम कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइजेज करें। धन्यवाद, थैंक यू, और हमारा आपसे यही हमारी शुभकामनाएं कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और उचित इलाज लें। धन्यवाद, थैंक यू।